तो भाई ये दरगाह का मेन एंट्रेंस है, हम यहाँ से एंटर हो गए। मैं दिखाता हूँ रात में आपको दरगाह कितनी खूबसूरत दिखती है। देखो मतलब रात में लाइट जलने के बाद काफ़ी खूबसूरत दिखती है। ये देखो ठीक है। दरगाह के अंदर आपको ये मतलब ऐसी शॉप मिल जाएंगी जिससे आप यहाँ से वो खरीद सकते हैं, हाथ में पहनने वाले तस्वीर वगैरह खरीद सकते हैं, और बाकी यहाँ पे इतर वगैरह टोपी वगैरह जेन वाली सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये गेट नंबर 1 था जहाँ से मैं एंटर हुआ, बाकी यहाँ पे गेट नंबर 2 ये वाला है। इधर से भी एंट्री होती है, ये मतलब पीछे पीछे से रास्ता आ रहा है यहाँ से एंटर होने का। एंटर होने के बाद यहाँ पे एक मतलब नमाज़ पढ़ने का सिस्टम बना रखा है अंदर। एक छोटी सी मस्जिद है, वहाँ पर वज़ू खाना है। बाकी इधर एक मस्जिद है जिसमें मैंने सुबह जुम्मा पढ़ा था, वो मेरे पिछले ब्लॉग में है। यहाँ पे जुम्मा पढ़ा था, एक मस्जिद है, मस्जिद का नाम है अकबरी मस्जिद। तो अब हम इधर से जाने वाले हैं आगे। ये देखो भाई, भाई अंदर आने के बाद आप ये जो मेरे सामने देख रहे हैं ये ख्वाजा साहब का चिराग है। यहाँ पे मतलब चिराग जलते हैं, और ये राइट हैंड पे ये जो है ये बड़ी देग है, इसमें लंगर बनता है। बाकी अभी मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ अंदर से देख। जो छोटी देग है, छोटी देग इधर है, मतलब 2 देगें हैं इसके अंदर जिसमें लंगर बनता है। मैं इधर लेके चलता हूँ आपको। इसमें बता रहे हैं कि आज मतलब लंगर बना था, तो मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से। देखो बहुत बड़ी देग है। लंगर बनने के बाद ये लोग इसमें पैसे डालना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब फिर इसमें थोड़े चावल डाल देते हैं, फिर बाद में पैसे यहाँ से निकालने के बाद फिर इसमें लंगर बनता है। आज सुबह इसमें बना था लंगर। ये मतलब काफ़ी गर्म हो रही है, जहाँ मैंने पैर रखा हुआ ये भी गर्म हो रही है। इसमें जो मतलब आग लगाई जाती है वो नीचे से लगाई जाती है, सिस्टम बना रखा है। ये देख जो है फिलहाल ऊपर है, वो जो जलने का है। देखो ये लकड़ियाँ रखी हैं, ये इसके अंदर डाली जाती हैं। अब मैं बड़ी देख दिखाता हूँ, बड़ी देख जो है इससे काफ़ी बड़ी है। बाकी ये देखो भाई, ये इसके अंदर मतलब यहाँ जिसमें लकड़ी डाल के आग जलाई जाती है, ऐसे बना रखे हैं सिस्टम। ये चारों तरफ से मतलब खाली जगह है, इसमें यहाँ मतलब आग जलती है तो देख मतलब गर्म हो जाती है, फिर खाना बनता है अंदर। ये स्टेट्स बना रखी हैं देख पे जाने के लिए। देख भाई ये फिलहाल तो मतलब देख के अंदर अभी मतलब लंगर बना नहीं है, इसमें मतलब पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, फिर इसमें लंगर बनेगा बाद में। लंगर बनता है इसमें? अच्छा कब बनेगा फिलहाल? अब जी मतलब एक दो दिन बता रहे हैं, एक दो दिन बाद इसमें लंगर बनेगा। तो इसमें पैसे मतलब डाले जाते हैं ये? अच्छा मतलब क्यों डाले जाते हैं पैसे इसमें? अच्छा मुराद के लिए डालते हैं ना इसमें पैसे? लोगों का मानना है मतलब यहाँ डाल के लोगों की विशेष पूरी होती है पैसे डालने के बाद। हाँ हाँ मतलब अपने मन की मर्जी की बात है ना। अच्छा अच्छा मतलब इसमें ये पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, अनाज इकट्ठा हो जाएगा, फिर इसके बाद इसमें लंगर बनेगा। ये ऊपर से देखो भाई व्यू कितना प्यारा आ रहा है रात का। जो ख्वाजा गरीब नवाज जो दरगाह है वो है जो मेन गुम्बद जो है वहाँ पे मेन दरगाह है ख्वाजा गरीब नवाज की। लेकिन ये बाकी सारा जितना भी ये एरिया जो है ये दरगाह के अंदर ही आता है। मैं आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पे यहाँ वजू करने की जगह है, इसमें बीच में जो पानी डाला जाता है, ये जो पानी है ये मतलब पानी आता नहीं है यहाँ से, इसमें पानी डाला जाता है एक तालाब की तरह से, पानी रहता है ना बीच में, तो यहाँ पानी बीच में रहता है, उसी से सारे लोग वजू करते हैं, उसमें फिर गुलाब डाल दिए जाते हैं। और ये इधर साइड में मस्जिद है भाई नमाज पढ़ने के लिए। इसके अंदर जो टोटल मस्जिद है वो 3 मस्जिद हैं दरगाह के अंदर। दूसरी मस्जिद ये है, मैंने एक मस्जिद आपको पहले दिखाई थी एंटर होते ही। रात में यहाँ पे लोग बैठ के अब जो है मतलब दुआ करते हैं, बाकी नफिल वगैरह पढ़ते हैं। मस्जिद जो है बंद कर दी गई, मैंने देखा यार यहाँ ताला लग रहा है, तो ताला लगने की वजह से जो लोग हैं बाहर बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर मतलब टाइम लिमिट लगा रखी है। टाइम के बाद मतलब क्योंकि रात की 12 बज गए, 12 बजे से बंद कर देते हैं। ये सफाई चल रही है फिलहाल यहाँ की। यहाँ पर जो है पानी अंदर भर दिया जाता है, फिर यहाँ पे मतलब बैठ के आप वजू कर सकते हैं। ये देखिए मेरा भाई, पानी जाने का सिस्टम ये है, मतलब इसमें से पानी लेके आप वजू करेंगे। मतलब सारे लोग एक ही पानी से वजू करते हैं यहाँ, मतलब कोई टैप का सिस्टम नहीं है। सही है, ये सिस्टम भी मैंने एक बार किया भी यहाँ से वजू। एक एंट्री उधर से अंदर दरगाह के लिए, एक एंट्री इधर से मेन गेट से, तो हम लोग उधर से आ रहे हैं। बाकी जो है यार मैंने फुल इन्फॉर्मेशन मेरे पहले वाले ब्लॉग में दरगाह की, ये मैं सिर्फ रात में शूट करने आया हूँ कि मतलब दरगाह दिखती कैसी है रात में। जो मेन दरगाह अपनी ख्वाजा साहब की वही है, मतलब इधर चारों तरफ से एंट्री है, इधर से भी गेट है, उधर से भी चारों तरफ से मतलब यहाँ की एंट्री है। मैं इधर मतलब मस्जिद में आ गया हूँ, दरगाह के ठीक सामने एक मस्जिद और है।
अभी तो मतलब फिलहाल सब लोग बैठे हैं, ये सब लोग बैठे हैं यार, ये अपनी मतलब दुआ मांग रहे हैं यहाँ पे बैठने के बाद। ये भाई इधर खास आपकी दरगाह माशाल्लाह। टाइम दिखाऊं आपको कितना टाइम हो रहा है, मतलब रात में काफ़ी लोग मतलब यार ये 12:36 का टाइम हो रहा है, 12:36 पे भी देखो मतलब लोग अभी दरगाह के अंदर हैं, मतलब रात भर ऐसे ही रहता है ये। इधर ये लगा रखी है मतलब लेडीज़ के बैठने का सिस्टम अलग बना रखा है, बाकी इधर मतलब ये सब जेंट्स वगैरह बैठ सकते हैं। जो मतलब दरगाह की जो चार मतलब मेन एंट्रेंस है अंदर के, मतलब दरगाह के अंदर तो आ गया, मतलब जो मेन दरगाह जो करने जाते हैं वो मतलब चारों तरफ से एंट्री है, एक उधर से मतलब चारों तरफ से ही है। तो मैं मतलब गेट नंबर कौन से कहूँ या गरीब नवाज, ये इसका मतलब सबसे ज़्यादा मतलब लोग यहाँ से एंटर होते हैं, ये इसका बड़ा गेट है दरगाह का। तो भाई हम अपनी वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड, दुआ में याद रखें, अपना खूब सारा ख्याल रखें, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।